जो हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो करने वाले भगवान है, मैं नहीं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं नहीं हूं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। तो जो अपने को करता मानेगा वो घमंड आएगा, और रावण जैसों का घमंड टिका नहीं तो तुम्हारा हमारा क्या चलेगा रे बाबा? आपका घमंड चलेगा फिर? तो कर्ता भगवान को मानो, ब्रह्मा जी ने कर्ता भगवान को माना, फिर स्तुति की भगवान की ब्रह्मा जी ने, और सृष्टि का क्रम स्टार्ट किया ब्रह्मा जी ने। फिर 10 प्रकार की, भागवत में 10 लक्षणों का वर्णन हुआ। भगवान जब लीला पूरी करके गए तो विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी महाराज ने उपदेश किया। ब्रदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? भगवान शांति दूत बनकर गए थे ना, तब विदुर जी के घर गए थे, दुर्योधन के 56 भोग नहीं खाए थे, और विदुर जी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाए थे। ये भगवान की भगवत्ता है कि भक्तों के यहां जाकर प्रसादी पाते हैं भगवान। फिर विदुर जी ने पूछा कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, जब मैत्रेय जी के पास हरिद्वार गए कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नतैः सुखम वान्य दुपारवम वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेनः। सारी दुनिया सुख के लिए प्रयास करती है पर दुख मिलता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि दुख मिलता है? क्योंकि संसार में दुख के सिवा कुछ है कहां? संसार में सुख ज्यादा है कि दुख? बताओ, पीछे वाले भैया बताएंगे चश्मा लगाए बैठे। संसार में सुख ज्यादा है कि दुख? हाँ, दुख ज्यादा है। आप बताइए भैया काली मूछों वाले, संसार में सुख ज्यादा है कि दुख? जिस तरह से नजरिया हो एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है, आप बता दीजिए आपके बगल में दुख ज्यादा है? संसार में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? ये मैया बताएंगे पहले। दुख ज्यादा है, इस तरफ वाली मैया। जैसा नजरिया वैसा सुख दुख, ठीक। संसार में सुख ज्यादा है कि दुख, ये प्रश्न था। उत्तर आप लोगों ने अपने अपने तरीके से दिया। अब देखो, संसार में ना तो सुख है ना तो दुख है। संसार में ना तो सुख है ना दुख है। आप अपने तरीके से, आप अपने हिसाब से तय करते हैं कि इसे हम सुख माने या दुख माने, फिर वो मानकर आप सुखी या दुखी होते हैं। उदाहरण से समझते हैं इस बात को। छोटा सा बच्चा है, जब वो टॉफी के लिए मचलता है और मां टॉफी नहीं दिलाती तो छोटा सा बच्चा क्या करता है? रोने लग जाता है। अब वो ऐसे रोता है आंसू टपका के जैसे बहुत बड़ा दुख हो इसके जीवन में, लेकिन रो किसके लिए रहा है? एक 25 पैसे की टॉफी के लिए। तो मां समझती है ना कि इसे कोई दुख भुख नहीं है, लेकिन उसे तो ये लगता है कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरी मां तो इतना अत्याचार कर रही है मेरे साथ, टॉफी भी नहीं दे रही है। उसे क्या लग रहा है कि मैं बहुत दुखी हूं? बच्चे की नजरिए से ये, बच्चे के नजरिए से ये लगता है कि मैं दुखी हूं, जबकि मां के नजरिए से लगता है कि ये दुखी नहीं है, क्यों जी? हाँ, या ना? उसी तरह ना तो संसार में सुख है ना तो दुख है।
यदि आपकी इच्छाएं पूरी हो गई तो आपको लगता है बड़ा मजा आया, बड़ा सुख मिला, और इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो आप दुखी हैं। कामनाओं की पूर्ति हो जाना ही सुख है और कामनाओं की पूर्ति ना होना ही सुख। और दुख को आप कैसे परिभाषित करेंगे, जरा सुख को परिभाषित कीजिए। सुख की परिभाषा क्या है? इच्छाओं की कामनाओं की पूर्ति हो जाना, जैसे आपकी इच्छा है कि मेरा घर बन जाए और घर बन गया तो सुख, और इच्छा है कि घर बन जाए और नहीं बन पाया तो दुख। आपकी इच्छा है कि फलाने लड़के से मेरा ब्याह हो जाए, हो गया तो सुख, नहीं हो पाया तो दुख। मतलब आपकी इच्छा के मुताबिक जो काम हो जाए वो सुख है और जो इच्छा के मुताबिक ना हो वो, ये सामान्य परिभाषा है सुख और दुख की। क्यों जी? तो सुख दुख है क्या संसार में?